गाइस ये है टीवीएस अपाचे आरटीआर 164वी लिमिटेड एडिशन का इस साल का सबसे लेटेस्ट मॉडल। ये टीवीएस आरटीआर 160 सीरीज की सबसे टॉप मॉडल की बाइक है। इस बाइक से रिलेटेड आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल जाएंगे, क्योंकि मैं इस बाइक का डिटेल रिव्यू करने वाला हूं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको यह बाइक खरीदनी चाहिए या फिर नहीं खरीदनी चाहिए। मैं आपको इस बाइक के सभी प्रोज एंड कॉन के बारे में बताऊंगा और आपको अपना पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा। तो इस बाइक की तरह ही यह वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो टेक्निकल SHT YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि इस बाइक के बहुत सारे कंपटीटर ऑलरेडी इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं। उनके साथ में बहुत ही जल्द चैनल पर मैसिव कंपैरिजन की वीडियो आने वाली है। चैनल सब्सक्राइब होगा, बेल आइकन ऑल पर सेट होगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष हाजिर हूं सभी के सामने एक बार फिर से एक और नई बाइक के साथ। आइए गाइस सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के डायमेंशंस की, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वजन की। इसकी हाइट है 1050 mm, इसकी लेंथ है 2035 mm, इसकी विड्थ है 790 mm, इसका व्हील बेस है 1357 mm, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm और इसका कर्व वेट है 146 kg का। आइए बात करते हैं अब इस बाइक के डिजाइन की। ये इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल है और ये इस बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल है। गाइस इस बाइक में आपको टोटल 4 कलर मिलते हैं, रेड एंड व्हाइट, ब्लू एंड व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट। और ये इस बाइक का लिमिटेड एडिशन वेरियंट है, जिसमें आपको ये बाइक जो है मैट ब्लैक में मिलेगी। बाकी के 3 जो मैंने आपको कलर बताए हैं उनसे आपको इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं। गाइस ये इस बाइक की प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल है, जिसमें आप इसके हेड हैंडल ORVM के डिजाइन को देख रहे हो। इस बाइक में हेड आपको नेकेड मिलता है। यहाँ सेंटर में कंपनी ने मस्टार्ड शेप में इसमें LED DRL दिए हैं और आप देख सकते हैं सेंटर में यहाँ पर आपको एक हॉर्स का लोगो मिलता है। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको फुल LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है। इसका थ्रो बहुत ही जबरदस्त है और इसकी विजिबिलिटी काफी ज्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन फ्लैग का स्टिकर लगा है और यहाँ पर कंपनी ने स्मार्ट एक्स कनेक्ट को मेंशन किया है। इस बाइक में आपको नॉन फ्लेक्सिबल साइड टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, जिसमें कंपनी ने बल्ब का यूज किया है। आइए बात करते हैं इसके फ्रंट सस्पेंशन की। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं विद प्रोटेक्टर। ये देखिए गाइस, इसकी सहायता से धूल मिट्टी वगैरह आसानी से अंदर नहीं जाती है, जिससे इसकी लाइफ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। फ्रंट मडगार्ड का डिजाइन कुछ इस तरीके का है, ये भी आपको मैट ब्लैक कलर में मिलता है और यहाँ फ्रंट में कंपनी ने TVS रेसिंग को मेंशन किया है। गाइस इस बाइक में आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं और अलॉयज आपको रेड कलर में मिलते हैं, जो कि इसके लुक को काफी ज्यादा स्पोर्टी बना रहे हैं। आइए बात करते हैं इसके फ्रंट टायर की। फ्रंट में आपको TVS रेमोरा का ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि है 90-90-17। आइए बात करते हैं इस बाइक के ब्रेकिंग सिस्टम की। गाइस इस बाइक में आपको सुपर मोटो का सिंगल चैनल ABS मिलता है और फ्रंट व्हील में आपको 270 mm की पेटल डिस्क मिलती है। इस साइड से भी मैं आपको इस बाइक का फ्रंट व्हील दिखाता हूँ। इस बाइक के टैंक का डिजाइन कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं इसका टैंक जो है काफी ज्यादा मस्कुलर है और काफी ज्यादा हैवी लगता है। ये टैंक कवर आपको फाइबर में मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी ने हॉर्स को 3D में मेंशन किया है और यहाँ पर रेसिंग फ्लैक्स स्टिकर लगाकर दिए हैं और यहाँ पर आपको एयर वेंट्स मिलते हैं। इसका टैंक आपको डुअल टोन में मिलता है, आप देख सकते हैं सेंटर में कंपनी ने ग्लॉसी रेड लगाकर दिया है, जो कि इसके लुक को काफी ज्यादा इनहेंस कर रहा है। रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अग्रेसिव लग रहा है। आइए अब मैं आपको इसके टैंक को इस एंगल से भी दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, बहुत ही जबरदस्त। फ्यूल कैप आपको राइट साइड में मिलता है और इस बाइक में आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। यहाँ पर RTR 160 का बैज लगा हुआ है। आइए अब मैं आपको इस एंगल से इस बाइक के टैंक का डिजाइन, हैंडल का डिजाइन और ORVM के डिजाइन को दिखाता हूँ। आइए देखते हैं लेफ्ट हैंडल पर कौन कौन से फीचर बटन मिलते हैं। यहाँ पर आपको डेडिकेटेड एक पासिंग स्विच मिलता है, यहाँ पर आपको लो बीम हाई बीम स्विच मिलता है, यहाँ पर आपको एक आई बटन मिलता है,
जो कि कॉल को कनेक्ट करने के लिए और ब्लूटूथ को कनेक्ट करने के लिए है। और यहाँ पर साइड टर्न इंडिकेटर स्विच मिलता है, उसके नीचे आपको एक हॉर्न का स्विच मिलता है। आइए चलते हैं इसके राइट हैंडल पर। गाइस, इस बाइक के स्विच की क्वालिटी जो है काफी जबरदस्त है, काफी प्रीमियम है। यहाँ पर आपको डेडिकेटेड एक इंजन किल स्विच मिलता है, यहाँ पर आपको एक मोड का बटन मिलता है। जी हाँ गाइस, इस बाइक में आपको 3 राइडिंग मोड मिलते हैं, अर्बन, रेन एंड स्पोर्ट मोड। उसके नीचे आपको डेडिकेटेड एक हेडलाइट को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच मिलता है और उसके नीचे आपको एक सेल्फ का स्विच मिलता है। गाइस, इस बाइक में आपको फ्रंट ब्रेक लीवर एडजस्टेबल मिलता है और क्लच लीवर भी आपको एडजस्टेबल मिलता है। आइए मैं आपको ये एडजस्ट करके दिखाता हूँ। एडजस्ट करने के लिए आपको सिंपली इसको थोड़ा सा आगे करना होगा। आप देख सकते हैं 3 स्टेप में इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हाथों के साइज के अकॉर्डिंग। गाइस, 19-20 का ही फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी ये यूजफुल चीज है। इस बाइक के साथ में आपको 2 चाबी मिलती हैं, ये देखिए गाइस, जिसका डिजाइन कुछ इस तरीके का है। इस बाइक के साथ में आपको वेब की मिलती है, जो कि काफी अच्छी बात है। जैसे ही इस बाइक के इग्निशन को ऑन करते हैं, वैसे ही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। गाइस, इस बाइक में आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। स्टार्ट करते ही हाई आपका नाम लिखकर आएगा और इसके डिस्प्ले में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि आरपीएम मीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलता है, डिजिटल क्लॉक मिलती है और आपको इसमें राइडिंग मोड्स देखने को मिलते हैं। इसमें आपको ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी मिलती है, जिसकी सहायता से आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी देख सकते हो। आप अपनी इस बाइक की एवरेज स्पीड भी देख सकते हो। इसमें आपको लैप टाइमर मोड भी मिलता है। इस बाइक की आप हाई स्पीड भी देख सकते हो और आप इसमें ये भी देख सकते हो कि आपकी बाइक ने 0 to 60 तक की स्पीड कितने सेकंड में कवर की है। इसमें 2 बटन्स मिलते हैं, जिसकी सहायता से आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑपरेट कर सकते हो। ऊपर की तरफ आपको हाई आरपीएम लिमिट इंडिकेटर मिलता है और नीचे की तरफ आपको बाकी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर लाइट्स मिल जाती हैं। जैसे ही इस बाइक के इग्निशन को ऑन करते हैं, वैसी इसकी जो DRL है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है और कुछ इस तरीके का ये लुक प्रोवाइड करा रही है। और इग्निशन के ऑन होते ही इसकी टेल लाइट और नंबर प्लेट लाइट भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। इस बाइक में आपको सिंगल हॉर्न मिलता है, कंपनी फिटेड क्रैश गार्ड मिलता है और कंपनी फिटेड ही इंजन काउल भी मिलता है। ये देखिए गाइस, कुछ इस तरीके के ये पैटर्न में आता है। यहाँ पर कंपनी ने RTFI को मेंशन किया है और नीचे की तरफ कंपनी ने हाइपर एज को मेंशन किया है। आइए गाइस, अब वहां की बात करते हैं जहां से इस बाइक की परफॉर्मेंस निकलकर आती है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, इसके इंजन की। इस बाइक में आपको 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल BS6 FI 4-stroke 4-valve इंजन मिलता है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 17.55 PS की 9250 RPM पर और इसकी मैक्सिमम पावर है अर्बन एंड रेन मोड पर 15.64 PS की 8600 RPM पर। इसके इंजन का मैक्सिमम टॉर्क है स्पोर्ट मोड पर 14.73 न्यूटन मीटर का 7250 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है अर्बन एंड रेन मोड पर 14.4 न्यूटन मीटर का 7250 RPM पर। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियरबॉक्स मिलता है, पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप और गाइस, इस बाइक में आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर भी मिलता है। स्पोर्ट मोड पर इसकी मैक्सिमम स्पीड है 114 किलोमीटर पर आवर की। अर्बन एंड रेन मोड पर इसकी मैक्सिमम स्पीड है 103 किलोमीटर पर आवर की। राइडर फुटरेस्ट और पिलियन फुटरेस्ट आपको फोल्डेबल मिलता है। इसके साइड पैनल पर कंपनी ने अपाचे को मेंशन किया है। इस बाइक के सीट कॉल पर कंपनी ने RTR 164V को मेंशन किया है। इस बाइक में आपको सिंगल सीट मिलती है और सीट आपको डुअल टोन में मिलती है, जो कि इसके लुक को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही है। इसकी सीट जो है राइडर और पिलियन के लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और सॉफ्ट भी है। यहाँ पर कंपनी ने TVS रेसिंग को मेंशन किया है। ये देखिए गाइस, इसकी सीट सॉफ्ट है। इसमें आपको ग्रेवरेल कुछ इस तरीके के पैटर्न में मिलता है, जो कि सॉलिड मेटल का है। आइए बात करते हैं इसके रियर सस्पेंशन की। रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, कंपनी फिटेड साड़ी गार्ड मिलता है और कंपनी फिटेड लेडी फुटरेस्ट भी मिलता है। यहाँ आगे की तरफ आपको एक मड प्रोटेक्टर मिलता है और इसमें आपको टायर हगर भी मिलता है, जिसकी क्वालिटी काफी सही है। नेकेड चेन सेट मिलता है। आइए मैं आपको इसमें टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो पास से दिखा देता हूँ। आइए बात करते हैं इसके रियर टायर की। रियर में आपको यूरो ग्रिप का एक ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसका साइज भी मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि है 130/70 R17। जी हाँ गाइस, इस बाइक में आपको रियर में रेडियल टायर मिलता है। आइए अब मैं आपको इसकी रियर टायर ग्रिप्स भी दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, कुछ इस तरीके की है। इसके टायर हगर पर कंपनी ने RTR को मेंशन किया है। गाइस, ये है इस बाइक की प्रॉपर रियर प्रोफाइल। टेल लाइट आपको LED में मिलती है और साइड टर्न इंडिकेटर और नंबर प्लेट लाइट में कंपनी ने बल्ब का ही यूज किया है। आइए गाइस, अब बात करते हैं इसके रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है और रियर व्हील में आपको 200 mm की डिस्क प्लेट मिलती है, जो कि एक पेटल डिस्क है। इस
बाइक के एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। आप देख सकते हैं इस बाइक में आपको डुअल वैरल एग्जॉस्ट मिलता है, जिसकी वजह से इसका साउंड जो है काफी ज्यादा बेसी हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा लाउड है और बहुत ही अच्छा साउंड है। इस पर आपको सिंगल मफलर मिलता है। गाइस, इस बाइक में आपको कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है। ये है इस बाइक की प्रॉपर राइड प्रोफाइल। ये बाइक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव लग रही है। आइए गाइस, अब मैं आपको यह बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूँ, इसके सभी इलेक्ट्रिकल फीचर्स दिखाता हूँ। मैं आपको इस बाइक के इंजन का साउंड भी सुनाऊंगा और इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनाऊंगा। जैसे ही इस बाइक के इग्निशन को ऑन करते हैं, वैसे इसके एलईडी डीआरएल ऑन हो जाते हैं और आप देख सकते हैं इसकी विजिबिलिटी काफी अच्छी है, मतलब काफी ज्यादा ब्राइट है इसके डीआरएल। आइए अब मैं आपको इसके साइड टर्न इंडिकेटर को भी ऑन करके दिखा देता हूं, जो कि कुछ इस तरीके का ये लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। ये भी काफी ज्यादा ब्राइट है। जैसे ही ये बाइक स्टार्ट होती है, वैसे इसकी हेडलाइट जो है ऑटोमेटिकली लो बीम में ऑन हो जाती है और ये बाइक जो है सिंगल प्रेस में स्टार्ट हो जाती है। और इस बाइक में आपको जीटीटी टेक्नोलॉजी मिलती है और साइलेंट स्टार्ट का भी फीचर मिलता है। अब आप इस बाइक के इंजन का साउंड सुनिए और इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनिए। पहले आप नॉर्मल साउंड सुनिए, फिर मैं थ्रॉटल दूंगा, फिर आप उसको सुनना। स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा अरुण टीवीएस को, जिन्होंने यह बाइक मुझे प्रॉपर रिव्यू के लिए प्रोवाइड की है। इनका ये शोरूम उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के मेन सिटी फिरोजाबाद में अवेलेबल है। यदि आप यूपी से हैं और आप फिरोजाबाद के आसपास किसी भी जिले से हैं, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इनका कॉन्टेक्ट नंबर और इनका एड्रेस मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपकी स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहा है। यहाँ पर टीवीएस के सभी प्रोडक्ट ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं। यदि आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए जो इस शोरूम पर अवेलेबल नहीं है, तो आप यहां पर बताइए, वो आपको जल्द से जल्द अवेलेबल करा देंगे। यहां का स्टाफ बहुत ही ज्यादा कॉपरेटिव है। आपको यहां से बाइक स्कूटर लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाइक स्कूटर लेने से रिलेटेड आपकी हर संभव मदद की जाएगी। यदि आप यह वीडियो देखकर शोरूम पर जा रहे हैं, तो वहां जाकर आप जरूर बताएं कि मैं टेक्निकल SHT YouTube चैनल पर वीडियो देखकर आया हूं। हो सकता है आपको कुछ स्पेशल ऑफर मिल जाए। आइए गाइस, अब बात करते हैं इस बाइक के प्राइस, माइलेज, वारंटी, प्रोस एंड कॉन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। टीवीएस कंपनी अपनी इस बाइक पर 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 60,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है। एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यदि आप अपनी बाइक के लिए एडिशनल एसेसरीज को सर्च कर रहे हो या फिर आप राइडिंग गियर्स को सर्च कर रहे हो, जैसे कि अच्छा हेलमेट, नी पैड, एल्बो पैड, राइडिंग जैकेट, राइडिंग शूज, राइडिंग पैंट, या फिर आप अपनी बाइक को मेंटेन रखने के लिए अच्छा इंजन ऑयल सर्च कर रहे हो, अच्छा चैन क्लीनर सर्च कर रहे हो, या फिर आप ऐसे ही और भी प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो, यदि आपके लोकल मार्केट में वो आपको नहीं मिल रहे हैं, मिल रहे हैं तो फिर आपको ज्यादा कीमत पे मिल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैं आपको उन सभी के बेस्ट ऑफर बाय लिंक दे दूंगा, जहां पर आप उनको क्लिक करके बेस्ट ऑफर में हैवी डिस्काउंट पे मार्केट से कम कीमत पे ओरिजिनल प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। आइए गाइस, अब बात करते हैं इस बाइक के माइलेज की। आप इस बाइक से मैक्सिमम 45 तक का ही माइलेज निकाल सकते हो, फिर वो आपकी राइडिंग पर डिपेंड करता है और आपकी बाइक की कंडीशन पर डिपेंड करता है। आइए गाइस, अब बात करते हैं इस बाइक के प्राइस की। गाइस, ये बाइक ऑन रोड लगभग आपको 1,60,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी। प्राइस का आप केवल रफ आइडिया ही माने, क्योंकि हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की और हर शोरूम की अलग अलग प्राइस होती है। आइए गाइस, अब बात करते हैं इस बाइक के सभी प्रोस एंड कॉन की। सबसे पहले बात करेंगे इसके प्रोस की। इसका डिजाइन एंड इसका कलर इस सेगमेंट में सबसे यूनिक है। इसमें आपको फुल LED हेडलाइट,
और टेल लाइट मिलती है, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जिसमें आपको ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी मिलती है, और भी आपको बहुत सारे इसमें फीचर्स मिल जाते हैं। रियर टायर आपको एक रेडियल टायर मिलता है और इस बाइक में आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है और इसी के साथ साथ काफी अच्छी पावर भी मिलती है। जैसा कि आपको पता है हर बाइक कोई भी परफेक्ट नहीं होती है, वैसे ही ये भी परफेक्ट नहीं है, इसमें भी कुछ ना कुछ कॉन है। आइए बात करते हैं इसके कॉन की। इसमें आपको साइड टर्न इंडिकेटर जो है वो LED में नहीं मिलते हैं और इसी के साथ साथ इस बाइक में आपको हजार्ड लाइट का भी फीचर नहीं मिलता है। इस बाइक में आपको किक स्टार्ट का भी फीचर नहीं मिलता है और इस बाइक की प्राइस स्टेबल रहे तो ठीक है, हर महीने इस बाइक पर करीबन 1500 रुपए बढ़ जाते हैं। और इस बाइक की शॉर्टेज, भाई अल्ट्रा शॉर्टेज है इस बाइक की। अब मैं उम्मीद करता हूँ इस बाइक से रिलेटेड आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे और आपने ये डिसाइड कर लिया होगा कि आप इस बाइक को खरीद रहे हो या फिर नहीं खरीद रहे हो। जो भी आपने डिसाइड किया है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और आप अपना रीजन भी जरूर दें। यदि आपने इस बाइक को सिलेक्ट किया है तो क्यों सिलेक्ट किया है, यदि सिलेक्ट नहीं किया है तो क्यों सिलेक्ट नहीं किया है। यदि आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो मैं आपके कमेंट को इसी वीडियो में पिन करूंगा, जिससे क्या होगा आपके कमेंट को लाखों लोग देखेंगे और कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी उन लोगों को एक वैल्यूएबल सजेशन मिलेगा। अब आप एक काम करिए, टेक्निकल SHT YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि इस बाइक के बहुत ही जल्द मैसिव कंपैरिजन की वीडियोस आने वाली हैं। चैनल सब्सक्राइब होगा, बेल आइकन ऑल पर सेट होगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मेरे फाइनल ओपिनियन की अगर बात की जाए तो मैं आपको यह बाइक 100% रिकमेंड करता हूं। एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यदि किसी भी कारण की वजह से यह बाइक यदि आपको पसंद नहीं आई है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस सेगमेंट में इंडियन मार्केट में 7 से 8 बाइक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है जिनका मैंने एक मैसिव कंपैरिजन किया है, लगभग 25 से 30 मिनट के आसपास की वो वीडियो बनी है। यदि आप उस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे तो आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और आपके लिए एक बेस्ट बाइक भी आपको मिल जाएगी। मैंने उस वीडियो में बताया है कौन सी बाइक किसके लिए बेहतर है और कौन सी बाइक किससे बेहतर है, और यदि आप उन सभी बाइक्स का ऐसे ही डेडिकेटेड रिव्यू देखना चाहते हैं या फिर आप उनका मैसिव कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो वो सभी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं। चैनल पर डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है बाइक की भी और बाइक कंपैरिजन की भी। सभी प्लेलिस्ट का लिंक, सभी वीडियोस का लिंक मैं आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैं आपको बाइक खरीदने से रिलेटेड एक सजेशन देता हूं। किसी भी बाइक को खरीदने से पहले आप उसका डेडिकेटेड रिव्यू देखिए, उसके बाद में आप उसके जितने भी कंपैरिजन देख सकते हैं वो जाकर आप जरूर देख लें। उससे क्या होगा, आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि आपकी बाइक जो है अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट बाइक है। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव हो कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल SHT YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इम्पॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई इम्पॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।